हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज की वीडियो हम बात करेंगे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों, किस तरह से आप इसके फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हो, उसके बारे में हम स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहो इस वीडियो में एंड तक और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको इस फॉर्म के बारे में स्टेप बाई स्टेप आपको ये समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स, कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इस तरह के हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये DRDO CFEES ITI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 की नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर DRDO ITI की अप्रेंटिस की ऑनलाइन वैकेंसी यहाँ पर इन्वाइट की गई है, जो कि DRDO की यहाँ पर असेसमेंट सेंटर के द्वारा इन्वाइट की गई है। तो दोस्तों, किस तरह से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो बाय अपने मोबाइल फ़ोन से, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम इसकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो इसके ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 29 अगस्त 2021 रखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें हम DRDO की अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 10th क्लास पास आउट आपको होना चाहिए, साथ ही आपके सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस में तो आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपका ITI में सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम बात करें इसकी अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पर आपका ट्रेड नेम दिया हुआ है मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसमें टोटल पोस्ट 3 रखी गई है, ड्राफ्ट्स में सिविल की यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गई है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर 5 पोस्ट रखी गई है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर 6, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पर 38 रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को किस तरह फिल कर पाएंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पे हमें रजिस्टर करना है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप किस तरह से इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो भी 10th का रोल नंबर है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका 10th का पासिंग ईयर कौन सा है आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। और दोस्तों, उसके बाद में आपका यहाँ पर फुल नेम लिखेगी, जो भी आपका फुल नेम हो, उसके बाद अपना इंटर ईमेल आईडी, जो भी आपका एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी हो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो भी है 10 डिजिट का, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपका पासवर्ड यहाँ पर एक कैपिटल अक्षर, एक लोअर केस और एक स्पेशल करेक्टर और एक नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से अपना पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि आपको ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, जिस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एंटर OTP ऑप्शन आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, उस पर एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको OTP को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर OTP सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर आना है लॉगिन सेशन पर, तो आपको यहाँ पर लॉगिन सेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, इस तरह से आपकी जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद अपने 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर चूज करना है, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और इस कैप्चा को डालने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन वाले सेशन पर आप ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप लॉगिन करके आओगे, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जिस आपने ITI अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी दिखेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको आपके पास यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, पब्लिश डेट भी आप देख सकते हो, 8 जुलाई को यहाँ पर वैकेंसी पब्लिश हुई है और इसकी लास्ट डेट 20 अगस्त रखी गई है, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हो इंजीनियरिंग और डिफेंस लिमिटेड की है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे करके स्क्रोल करके नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपके सामने JRF/अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपके सामने ये ओपन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं इसी ऑप्शन की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पब्लिश डेट है 9 अगस्त 2021 की यहाँ पर वैकेंसी पब्लिश हुई है और इसकी लास्ट डेट 29 अगस्त 2021 है, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ITI ट्रेनिंग की यहाँ पर वैकेंसी अप्रेंटिस की रखी गई है। तो दोस्तों, आपके सामने ये ब्लू कलर का अप्लाई वाला ऑप्शन है, दोस्तों इस पर आपको टैप करना है। अब फ्रेंड्स, इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप जो भी टाइप करना है, आपकी फेलोशिप यहाँ पर आपको टाइप करनी है, तो यहाँ पर आप ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर चुन लेंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नंबर दिखेगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपना फादर का नेम लिखना है, उसके बाद अपने मदर का नेम एंटर करना है।
आप यदि यहाँ पर हैंडीकेप्टेड और फिजिकली आप यहाँ पर डिसेबिलिटी पर्सन हो, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी हो SC ST आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, आप मैरिड हो सिंगल हो दोस्तों यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हो दोस्तों। अब जेंडर की बात करें, आप जो भी आप मेल हो फीमेल यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिटी का नाम लिखना, अपना स्टेट यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड एरिया आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री का नेम एंटर करना है। अब उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपने जो भी अपना मोबाइल एंटर किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैट्रिक की आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने एग्जामिनेशन पास किया है 10th का, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। यदि आपके पास सब्जेक्ट है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना है। अपना पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर हो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपना डिवीजन कौन सा आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपके मैक्सिमम मार्क कितने आए थे, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी यहाँ पर एंटर करेंगे। अपने ऑप्टेंड मार्क आपने कितने किए थे, कितने में से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यदि आपका परसेंटेज है या CGPA आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी परसेंटेज कितनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपने 12th के एग्जामिनेशन। यदि आप 12th के एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। उसके बाद आती है आपका ITI। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपना ITI का सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम एंटर करेंगे। अपना पासिंग ईयर आप चूज़ करेंगे, जिस ईयर में आपने पास किए। उसके बाद अपना डिवीजन चूज़ करेंगे, जो भी आपका डिवीजन हो। उसके बाद अपना मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अपना ऑप्टेन मार्क यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपका परसेंटेज CGPA है या परसेंटेज आप यहाँ पर चूज़ करके आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपकी परसेंटेज हो। उसके बाद यदि आपके पास एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अपना आता है एक्सपीरियंस, यदि आपके पास हो तो। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने NCERT पोर्टल पर किया था उसका यहाँ पर आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यदि आपके पास कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। अपना करंट अपॉइंटमेंट आप यहाँ पर देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है ID प्रूफ के तौर पर, उसको यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना हो। तो दोस्तों उसको आपको PDF साइज में करना है, जो कि आपकी यहाँ पर साइज दे सकते हो आप 500 KB तक आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज़ आपको यहाँ पर JPG दे रखा है, जिसकी साइज़ आपको मैक्सिमम आपके 50 KB होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसकी साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अपना ITI का डिप्लोमा है, आप उसकी यहाँ पर PDF यहाँ पर आप अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यदि आपके पास अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कोई PWA सर्टिफिकेट है आपके पास, यहाँ पर आप वो एंटर कर सकते हो। उसके बाद अपनी कैटेगरी प्रूफ R सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आता है, आप डिक्लेरेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना प्लेस लिखना है, जिस प्लेस से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हो उसका यहाँ पर नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अपलोड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर 150x150 में अपना फोटो को साइज यहाँ पर सिग्नेचर का होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ड्राफ्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो दोस्तों इस तरह से अपने फोटोग्राफ आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अपनी सारी जानकारी यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ड्राफ्ट सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सेव करेंगे। उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस तरह से आपकी यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर आपके जो भी आपकी पोस्ट के सिलेक्ट किया था आपने, वो यहाँ पर आपकी सिलेक्ट रहेगी। उसके बाद अपने सब्जेक्ट जो भी है आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने जो भी प्रीव्यू आपने अपलोड किया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप चेक करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड डॉक्यूमेंट ग्रीन लाइन में आपको शो होगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट करना, तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आर यू श्योर यू वांट लुक योर एप्लीकेशन, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर श्योर होने को बोलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको येस कर देना है। अपडेट इस तरह से आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ आपको ओके करना है।
अब दोस्तों इस तरह से अपनी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है, फिर से स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे। अब दोस्तों उसी लिए आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है दोस्तों उसी पोस्ट पर आपको फिर से आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अप्रेंटिस के लिए आपने अप्लाई किया है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो है ये अनलॉक एप्लीकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों यदि आपने कोई गलती कर दी अपने फॉर्म पे तो आप यहाँ पर अपना अनलॉक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को यहाँ पर आप अनलॉक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है सेकंड ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन का, यहाँ पर अपने फॉर्म को आप प्रिंट आउट ले सकते हो, उसका आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर रख लेंगे। तो आप यहाँ व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हर तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।